हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 सिमिलरिटी का पार्ट 6 करने जा रहे हैं और हमारी एक और लास्ट टर्म रह गई है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। लास्ट वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम देखी थी, आज हम देखने जा रहे हैं उसका कन्वर्स, जिसमें कि हम पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करके इसके कन्वर्स को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम जो थी वो राइट ट्रायंगल में लगाई थी हमने, जबकि जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है इसमें हमको पहले से पता नहीं है कि ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है कि नहीं है। तो क्या ये, अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड का जो स्क्वायर है वो बची कुची दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए, तो जो सबसे बड़ी साइड है जो अकेली है उसके सामने वाला अपोजिट जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। चलिए स्टेटमेंट देखिए, समझ में आ गया। इफ द स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो मान लीजिए ट्राइंगल है तो स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड, तो कोई एक साइड हमने सपोज एसी का स्क्वायर ये रहा, ठीक है। आगे क्या इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होना चाहिए, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, बच्ची कुछ जो दोनों साइड है उनके स्क्वायर के सम के बराबर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अगर ऐसा हो जाए तो अब ये अकेली साइड है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी, ये वाली है। तो जो पहली साइड थी अकेले जो हमने लिए उसके अपोजिट जो एंगल है, ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा बी हो गया, तो हमको साबित करना है एंगल ए बी सी कितना होना चाहिए 90। तो राइट एंगल है तो इसका स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर का सम, और अगर राइट एंगल पहले से नहीं पता है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अगर पता हो देन वी विल कम टू नो दैट एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से, ठीक है। तो देखते हैं प्रूव करेंगे इसको कैसे। सो ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास दिया हुआ पहले से, और हमको और क्या पता है, एक साइड का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये हमने ले लिया। प्रूव करना है फर्स्ट साइड जो हमने अकेले लिए थी उसकी अपोजिट एंगल जो है एंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। चलिए तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन हमको इस मेन फिगर के अंदर नहीं करना है, इसके बाहर अलग से हमको करना है कंस्ट्रक्शन, तो इसको डॉटेड लाइन से बनाने की आवश्यकता नहीं है। सो हमने एक और ट्रायंगल बना लिया बगल में बिल्कुल इसी के जैसे, ठीक है। इसमें से फर्क क्या है, ये राइट ट्रायंगल नहीं है हमको पता नहीं है, बट ये हमको क्या बनाना है, राइट ट्रायंगल बनाना है। तो पी क्यू आर क्यू क्या ले लेना है, 90 डिग्री ले लेना है, क्लियर। सो ड्रॉ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट, इस प्रकार से कि एंगल पी क्यू आर 90, पी क्यू आर मैंने निशान लगा दिया यहाँ पे नहीं लगाया, तो एंगल पी क्यू आर तो होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है, और 90 के अगल बगल वाली साइड जो है वो इसके बराबर मैच कर लेना। तो ये तो किसके बराबर हो जाए, ये किसके बराबर हो जाए इसके, सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू ए बी एंड क्यू आर किसके बराबर हो जाए बी सी के। तो ये हमारा छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, हमको अलग से बाहर अलग ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री वाला राइट ट्रायंगल नहीं है जबकि ये है, ठीक है। अब हमारे पास दो अलग अलग ट्रायंगल्स अवेलेबल है, तो बताइए दोनों में से राइट ट्रायंगल कौन सा है, ये तो प्रूव ही करना है, ये तो पता नहीं है, तो कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है। तो पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल में लगाते हैं, राइट ट्रायंगल, तो इसमें लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, तो हम क्या इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्लियर। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इसमें क्यों लगाए, क्योंकि राइट ट्रायंगल है, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 90 डिग्री के अगल बगल वाले दोनों साइड का स्क्वायर का, क्लियर है जी। चलिए अब ये दोनों साइड को तो हमने इनके बराबर लिया हुआ है, तो पी क्यू तो किसके बराबर है, ए बी के, और क्यू आर किसके बराबर है, बी सी। तो बट पी क्यू इक्वल टू ए बी, क्यू आर बराबर बी सी बाय कंस्ट्रक्शन, तो हमने ये दोनों चीजें रिप्लेस कर दी इसके लिए, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, इसकी जगह हमने रख दिया ए बी, इसकी जगह रख दिया बी सी, तो हमको मिल गया पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है, क्लियर है, ओके। आगे चलते हैं, अब हमको गिवन में क्या दिया हुआ है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर का सम, इसको हम रिलेशन टू डायरेक्ट ले लेंगे। तो गिवन दैट ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमने ले लिया रिलेशन नंबर 2। अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो क्या पाएंगे, राइट हैंड साइड देखो दोनों के बराबर हो गए, आर एस एस मैच हो गए, सो वी हैव एल एस एस दे विल ऑल्सो बी इक्वल, सो वी हैव पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब दो साइड के यदि स्क्वायर बराबर है तो इंडिविजुअल साइड भी बराबर होंगी, सो पी आर और ए सी भी क्या हो जाएंगी बराबर, हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3। बहुत आसान काम हो गया, पी आर और ए सी बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो चुके हैं, ठीक। अच्छा ये दो पहले से बराबर थे, तीसरा बराबर हम ले आए, तो इसका मतलब इस और इस ट्रायंगल में तीनों साइड आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग मैच हो गई और तीनों साइड बराबर हो जाती है, तो दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, किस कंडीशन से, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से। सो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, ए बी तो किसके बराबर है, पी क्यू के, बी सी किसके बराबर है, पी आर के, ये क्यों हुए बराबर, ये तो गिवन थे पहली दो कंडीशन, और तीसरी जो है ए सी इक्वल टू पी आर, ये हम यहां पे अभी लेके आए हैं इक्वेशन नंबर 3 में, सो आई हैव रिटन फ्रॉम 3।
तो ये तीनों कंडीशन से क्या पता लगा, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल वी हैव ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल PQR के। अब अगर एक बार कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो क्या होते हैं, मैच होते हैं। ठीक है, तो इस तरह अगर इसका ये वाला एंगल 90 है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में किया था या फिर लिखा था, देखिए तो ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90। तो देखो एंगल एबीसी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, एंगल PQR के, एबीसी ये रहा PQR ये रहा, ये दोनों 90 क्योंकि ये 90 है तो ये दोनों ही 90 होंगे। और इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, और ये 90 कहां से आया, ये हमने लिया है। ठीक है, तो हमने साबित किया क्या, यदि किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड विल बी अ राइट एंगल। तो ये थी हमारी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसके फॉलोइंग वीडियोस में हम आगे इन एक्सरसाइज इन थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सब नोट कर लेंगे इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, keep preparing your notes regularly and if possible watch all these videos in sequence so that you don't get any misunderstanding, okay? And if you have any queries or doubts you can easily post them in the comments section. Happy learning.